लास्ट क्लास में क्या हो गया था हमारा, कहाँ तक हो गया था? हम उस पे बजटिंग पे। क्या था? बजट एंड शेड्यूल। आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीख लिया किस तरीके से हम बजट और शेड्यूल का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। देखने में वो सिंपल है बिल्कुल, एक बजट एंड शेड्यूल लगता है, बट आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस का पता होना चाहिए। देखना है कब आपको, मतलब ब्रांड के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें अलाइन करने हैं, कब आपको शेड्यूलिंग करने की जरूरत है, इससे कितना बजट ऑप्टिमाइज होगा, ये सारी चीजें आपको, ठीक है। और ये आपकी जो प्रॉब्लम थी क्लास के जब स्टार्टिंग में कि आपने कहा था कि मैं स्केल नहीं कर पाता, यानी हमारा जो ROS है वो सही नहीं आ पाता, ये सब यहीं से, यानी कि मेरा ये मानना है कि जितने भी ऑप्शन है उन सब का अगर 1% भी हम इम्प्रूवमेंट करते हैं तो एट द एंड ऑफ द कितने ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएंगे हमारे एड कॉपी में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट क्या ऑप्शन हमारे पास। अभी हम एडसेट लेवल पे हैं, है ना? हाँ, और हम सीख रहे थे किस तरीके से लीड कैंपेन बनाने, मतलब जितने भी ऑप्शन हैं एड लेवल पर, एडसेट लेवल पर, एड लेवल पर, वो लीड कैंपेन के यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट कन्वर्जन लोकेशन हमारा वेबसाइट था, अब हमारी लीड कैंपेन ही रहेगा टोटल, बट हम कन्वर्जन उसे अलग अलग जगह पे करेंगे। जैसे मैंने अब बता चुका हूँ आपको कि कन्वर्जन लोकेशन जैसे ही चेंज करेंगे आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे यहां पर देखें आप, अगर मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं, मैंने कहा कि मेरा जो कन्वर्जन लोकेशन है वो वेबसाइट है, तो यहां पर आपसे आगे मांगेगा एड लेवल पर, आपसे मांगेगा कि भाई आप अपना डेस्टिनेशन लिंक लगाइए। अगर आपने कन्वर्जन लोकेशन पे आपने व्हाट्सएप डाल दिया यानी कोई मैसेजिंग ऐप डाल दिया, तो आगे फिर आपसे कहेगा कि आप अपने फेसबुक पेज से वो व्हाट्सएप बिजनेस को कनेक्ट कीजिए, तभी तो वो एड दिखाएंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए यहाँ पहले वेबसाइट कन्वर्जन को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट आ जाएंगे एडसेट लेवल पे, और ये रहा हमारा यहाँ से। मुझे आपकी स्क्रीन शेयर हो, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपको, ठीक है, एक मिनट एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। अब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, ठीक है। चलिए आप वाईफाई से कनेक्ट कर रखा आपने या फिर आपका डाटा है वहां पे? वाईफाई है ना, चल इससे हमारे थोड़ा सा इजी हो जाता है हमें सीखना और सिखाना, क्योंकि यहाँ पे स्मूथली रन होता है, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हमने देख लिए, बजट शेड्यूल। हाँ हाँ एक मिनट, ठीक ठीक अब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, रेडी है? चल तो मैं जिस तरीके से हम सीख रहे थे कि हम कोई एक कैंपेन लेते हैं और उस कैंपेन के कैंपेन लेवल पर, एडसेट लेवल पर और एड लेवल पर जो भी ऑप्शंस है उसे हम देखेंगे। तो अभी हम एक बात आपको ध्यान में रखना, जैसे मेजरली हमें यहाँ पे 6 टाइप के कैंपेन देखने को मिलते हैं, बट इन 6 टाइप के कैंपेन में जो कुछ ऑलमोस्ट ऑप्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है अगर आप स्पेसिफिक कोई कैंपेन चूज करते हैं तो। अगर आप सेल्स कैंपेन चूज करते हैं या फिर आप यहाँ पे पिक्सल्स वगैरह सेटअप करते हैं तो थोड़ा वहां से आपको, या फिर ऐप कैंपेन आप इस्तेमाल करते हैं, ऐप इंस्टॉल, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। बाकी स्ट्रक्चर कोई भी कैंपेन आप चूज करेंगे वहां पर ये सारे एक ही मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए
हम ऑडियंस कंट्रोल में आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है कि ऑडियंस को आप चूज कर सकते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि आज के टाइम में ना फेसबुक कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा एआई पे डिपेंड रहे, वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैनुअल ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, वो कहता है कि आप यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस को चूज कीजिए, हम यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट एक राइट स्ट्रेटेजी ये नहीं है, हम यहाँ पे हमेशा अपने कंट्रोल में रखेंगे, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग हम ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे। अब यहाँ पर आओगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, देखो यहाँ पर कभी भी कहीं पे चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है कि मेरा एज क्या होगा, इंटरेस्ट कैसे लोगों को हम दिखाना चाहते हैं, बिहेवियर क्या, मेल या फीमेल है, कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। तो जब आप इसे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन अब दिखेंगे आपको। इसलिए जब आप पहली बार आते हो ना एडसेट लेवल पर ऑडियंस के टारगेटिंग में, आपको यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्विच करना पड़ेगा उसे, ठीक है। ठीक है, ये देखिए ऑडियंस में हम हैं, और यहां पे सबसे पहले यहां पे देखो, अब ये ऑडियंस एक आप यहां पे क्रिएट न्यू ऑडियंस है और यूज सेव ऑडियंस, इन दोनों के बीच डिफरेंस को समझते हैं। ये आपको काम आता है कब, जब आपने कोई ऑडियंस, जैसे कोई रियल इस्टेट का क्लाइंट है आपका, आपने उनके लिए वर्क किया, ठीक है, और सेम लोकेशन है। तो जब रियल इस्टेट का कोई एक क्लाइंट है तो उसके लिए आप जैसे 99acre.com है, magicbrick.com है, प्रॉपर्टीज एंड जो अपार्टमेंट रियल इस्टेट में इंटरेस्ट रखता है उसको आपने टारगेट कर लिया। सेम आपके पास कोई दूसरा क्लाइंट आता है वो भी रियल इस्टेट से रिलेटेड है, तो क्या यहाँ पर एक स्मार्ट तरीका ये नहीं है कि जो मैंने इस क्लाइंट के लिए ऑडियंस को टारगेट करा सेम ऑडियंस को टारगेट कर लूंगा, बट यहाँ पर लोकेशन थोड़ा बहुत और जो यहाँ पे डिफरेंस होगी यहाँ पे लोकेशन की वो मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, बाकी जो इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफिक वो सेम ही होंगी। तो हाँ, तो मैं यहाँ पे ऑडियंस को सेव कर लूंगा और उस ऑडियंस को फिर मल्टी आगे जितने भी मेरे क्लाइंट्स आएंगे उन सबको यहीं पे दिखाऊंगा। तो आप जब यहाँ पर आएंगे ये देखिए, ये कह रहा है क्या आप सेव ऑडियंस यूज करना चाहते हैं, जब से आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक मेरा यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है किड्स क्लोथिंग XYZ, यानी किड्स क्लोथिंग से रिलेटेड मेरे पास एक क्लाइंट था, मैंने उनका ऑडियंस को सेव कर लिया। अब फर्दर आगे मेरे पास कोई भी किड्स क्लोथिंग से रिलेटेड क्लाइंट आएंगे मैं उनका ऑडियंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। जी बताइए, जिनको कुछ नहीं पता एड अकाउंट के बारे में, आप कहेंगे सर कोई नहीं आप अपना बजट दे दीजिए, मेरा सर्विस चार्ज दे दीजिए, मैं आपकी एड लाइव कर दूंगा। उनको इन झंझटों में पड़ना ही नहीं है कि एड अकाउंट सेटअप करो, पिक्सल सेटअप करो, बिजनेस मैनेजर बनाओ। बहुत सारे आपको ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, जैसे ऐसे लोग जो सर्विस प्रोफेशनल में है, जो इंडिविजुअल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल इस्टेट एजेंट जो होते हैं इनके पास ये इंडिविजुअल होते हैं, अकाउंटेंट हो गए, हाँ कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके पास वो सब कुछ हो गए। तो आपको दोनों ही सिचुएशन के लिए तैयार रखना है। और यहाँ पे बेनिफिट आपको क्या होगा पता है, एक और बेनिफिट है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे बेनिफिट ये है आपका कि जब आप इस तरीके से करते हैं, जैसे आपने एक अपना एड अकाउंट बना लिया, अब जैसे क्लाइंट हो सकता है वो रिटेन ना हो किसी वजह से, वो चले जाते हैं, तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आपके पास उनका डाटा तो रहेगा, पोर्टफोलियो की तरह इस्तेमाल तो कर सकते हैं अगले क्लाइंट को आप टारगेट करने के लिए, पिच करने के लिए कि देखिए सर मैं इसलिए इस क्लाइंट के लिए इतना वर्क कर रहा हूँ, यहाँ मुझे पर मैसेज इतने रुपए की आई, पर लीड इतनी आई, इतने कन्वर्जन आए, सेल्स आए हैं, तो ये तो डाटा आपके पास रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की उसी के अकॉर्डिंग पिच करना है आपको कि सर कोई बात नहीं आप 500 लगा। हाँ जी, ऑप्टिमाइजेशन जो अलग-अलग जैसे अकाउंट हो गए, ये मतलब कि ऐसे अलग अकाउंट नहीं, अलग-अलग क्लाइंट के जो डेटाबेस में या लीड में कोई इशू नहीं आएगा ऑप्टिमाइज करने में, कभी नहीं। ऐड एक ऐड अकाउंट में आप देखो ना, यहाँ देखो मेरा अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे एक ऐड अकाउंट पे मैंने बहुत सारे 100 यहाँ पे ऐड अकाउंट पे मैंने चलाए, कोई इशू नहीं। एक अकाउंट आप एक ऐड अकाउंट पे मल्टीपल आप कैंपेन रन कर सकते हैं, कोई यहाँ पे ये नहीं है, हर एक कैंपेन कभी नहीं, कभी नहीं। आपको अभी मैं दिखाऊंगा, मैं अपना एक एड अकाउंट है मेरा जो पर्सनल है, ठीक है, मैं इस पे
100 क्लाइंट के लिए एड रन कर रहा हूं, बस मैं जब कैंपेन का नाम जैसे मैंने आपको बताया था, अब मैं से मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा कैंपेन कौन सी क्लाइंट का है? तो जो मैंने आपको एजेंसी स्टाइल में नाम रखना सिखाया था, कैंपेन का नाम रखिए, वहां पे पता चल जाएगा, अच्छा ये कैंपेन उस क्लाइंट के लिए, ये कैंपेन उस क्लाइंट के लिए, ये कैंपेन उस क्लाइंट के लिए, ठीक है? इस तरीके से, तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए आगे यहाँ पे है, अब या फिर क्रिएट न्यू ऑडियंस है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कस्टम ऑडियंस में, यहाँ पर आपको वो ऑडियंस दिखेंगे, अगर आपने पहले कभी कस्टम ऑडियंस बनाया हो, आपने लुक अलाइक ऑडियंस बनाया हो, इस टाइप की अगर ऑडियंस आपने बनाया है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? लेकिन आपने अगर कुछ नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, तो फिर आपको यहां से जाना है, यहां से आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, और सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलता है लोकेशन की, आपकी लोकेशन क्या होगी जिसे आप एड दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पे लोकेशन को भी आपको समझने की जरूरत है, ठीक है? आज हम कोशिश करेंगे सिर्फ ऑडियंस की टारगेटिंग, क्योंकि बैकबोन है आपके एड की ऑडियंस, अगर आपने ऑडियंस सही टारगेटिंग नहीं करेगी तो कभी भी आपका एड परफॉर्म नहीं करेगा, और ऑडियंस में ये सारे कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? चलिए लोकेशन पे एडिट करना है। अब उससे पहले आपको रिसर्च कर लेना है, रिसर्च करना मैंने आपको सिखा दिया है कैसे, जब भी कोई क्लाइंट्स आपके पास आए तो उनका आपको रिक्वायरमेंट समझना है, आपको उनसे पूछना है कि सर आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चाहते हो आप, कहाँ ऐड दिखाना चाहते हो, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, वो रहते कहाँ पर है, किसके लिए सुटेबल है ये प्रोडक्ट, ठीक है? आपको थोड़ा सा उनसे इन्फॉर्मेशन लेना। अब यहाँ पर आपको टूल्स में जो ऑप्शंस मिलते हैं वो यहाँ पे डिफॉल्ट में इंडिया सेलेक्ट होगा, अगर आपको इंडिया की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप यहाँ पे इसे कट कर दोगे, और यहाँ पे सर्च लोकेशन, यहाँ पर आप सिटी वाइज टारगेट कर सकते हो, अगर आपको कोई सिटी टारगेट करना है तो डायरेक्ट आप सिटीज कर सकते हो, यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक एड्रेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे किसी पोस्टल कोड को टारगेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो आप, तो समझ लो कितना ज्यादा ऑप्शन है, जो भी आपकी ब्रांड की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज सेलेक्ट करना है, ठीक है? ठीक, यहाँ पर आए मैं आपको सिटीज का दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं दिल्ली मुंबई इस तरीके की जो है मैं यहाँ पे टारगेट कर देता हूँ, ये देखिए दिल्ली आ गया इस तरीके से, ठीक है? लेकिन यहाँ इंडिया है ऊपर, इसको आपको खत्म करना है, क्योंकि मुझे इंडिया की जरूरत नहीं है, मैं पूरे इंडिया नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट करना चाहता हूँ, दिल्ली हो गए आपको यहाँ पे, सॉरी, ठीक है? यहाँ देखिए दिल्ली इंडिया स्टेट है, आपको यहाँ पे मुंबई इस तरीके से, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, समझ में आ रहा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? चलिए ये तो एक सिचुएशन ये हुई, अगर मुझे दिल्ली का कोई स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना, जैसे मैं टारगेट करना चाहता हूँ नेहरू प्लेस को, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेहरू प्लेस डाला, सामने आपके पास आ जाएगा दिल्ली इंडिया, यानी नेहरू प्लेस और भी कहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं वो मुंबई का हो सकता है वो लखनऊ का हो, यूपी का हो, नोएडा का हो, लेकिन मुझे दिल्ली का है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सजेशन में आ जाएंगे, तो मैं नेहरू प्लेस है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगा, एक आपको यहाँ पे रेडियस वाइज टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है, रेडियस वाइज, ये आपको सिटी में नहीं देखने को मिलता है, सिटी का एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है जो संवैधानिक उसका लोकेशन होता है कि भाई देखो दिल्ली का ये है बॉर्डर, यूपी का ये है, तो ये तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक लोकेशन को आप टारगेट करते हो, जैसे मैंने कहा नेहरू प्लेस, तो नेहरू प्लेस को ये है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ नेहरू प्लेस ये, तो इसका कितना रेडियस के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो आप, समझे? ये भी आपको ऑप्शन मिलता है। नेहरू प्लेस आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मैं एक्सक्लूड करता हूँ, पहले आपने यहाँ देखिए, आपने एक सिटी को टारगेट करा, आपको रेडियस पूछ लिया, इसी तरह मैं दूसरा अगर कुछ लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लक्ष्मी नगर लेता हूँ, ठीक है? ना देखो लक्ष्मी नगर दिल्ली है, ये नेबरहुड है, यहाँ पे एड्रेस है, आप यहाँ पे आपको देखना है, दिख रहा कुछ ब्लर सा है, एक नेबरहुड का दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है आपको, ठीक है? तो मैं अगर लक्ष्मी नगर दिल्ली इंडिया लेता हूँ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ ये मैंने नेबरहुड में ले लिया कि लक्ष्मी नगर दिल्ली का मुझे टारगेट करना है। अगर यहाँ पर आप चाहते हो, यहाँ देखो, एक तो यहाँ पर लोकेशन डाल दे, नीचे आपको एक ड्रॉप पिन का इस्तेमाल आपको करना है, यहाँ देखिए यहाँ पे है ड्रॉप ए पिन, अगर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, जैसे कोई बहुत ही नैरो है जगह जिसका इस पे अपडेशन नहीं है फेसबुक पे, तो आप क्या करोगे उसके नियर बाय लोकेशन आप टारगेट कर लो, जैसे मैं यहाँ पे
पानीपत डाल लेता हूँ, ठीक है, पानीपत में डाल लेता हूँ, और मुझे पानीपत के कोई स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना है। तो आप देखो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे पानीपत। अब थोड़ा सा इसे जूम इन करो, जूम इन करो, जूम इन करो, यहाँ देखो, और जूम इन करते हैं, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पे मैं और जूम इन करता हूँ, और यहाँ से मैं चाहता हूँ इस लोकेशन को टारगेट करना। अब मुझे पता है कि यहाँ पर है मेरा जो लोकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ड्रॉप पिन करोगे, इसे यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके छोड़ दोगे, यहाँ से छोड़ दोगे। अब ये टारगेट हो जाएगा, देखो हो गया टारगेट, यानी पानीपत तो है लेकिन पानीपत से दूसरा इलाका वहां पे। तो या तो आप नाम सर्च कर लो, यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का गेम होता है। यहाँ देखो आप लैटिट्यूड, इसने उस पिन के थ्रू यहाँ पे पता कर लिया इसका, आया समझ में? ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गए सिटीज, रेडियस वाइज हो गए आपके, आपके ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गए। अब एक और है, आप चाहते हो पोस्टल कोड टारगेट करना, तो पोस्टल, जैसे मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए बनाया था स्ट्रेटेजी, मैं आपको दिखा देता हूं मैंने किस तरीके से बनाया था। देखो ये एक बिजनेस है, आप देख सकते हैं मोबाइल होलसेल एसेसरीज का बिजनेस है, ठीक है। अब ये बी टू बी बिजनेस है, इसको हम समझ सकते हैं कि एक बी टू बी बिजनेस है, लेकिन इसकी एक खासियत है, आप देखना कभी भी कहीं भी अगर मोबाइल का शॉप होगा तो वो एक नहीं होगा, उसके पास बहुत सारे होंगे, चाहे वो मार्केट हो या रेडी वाला हो, कहीं भी हो। तो हमने क्या ऐसा करा था कि जहां से हमें ऑर्डर आ चुके हैं वेबसाइट से, जब हम वेबसाइट पे ऑर्डर लेते हैं तो वहां से उनका एड्रेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो अपना पोस्टल कोड भी तो डालता है जहां पे मुझे डिलीवर करना है। तो अब हमने क्या करा कि मुझे पता चल गया, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस है, एक होगा तो दूसरा भी होगा मोबाइल शॉप का। हमने क्या करा, यहाँ पे पोस्टल कोड को हमने यहाँ पे टारगेट करना स्टार्ट करा, मुझे हर जगह नहीं दिखाना, जहां से मुझे ऑर्डर आया वही दिखाना। अब ये सिचुएशन कब बनी, ये जो एक बिजनेस है ये रिकरिंग बिजनेस है, यानी एक बार कोई माल ले गया वो खत्म भी तो होगा, वो आगे कस्टमर को बेचेगा तो फिर इसे प्रोडक्ट के लिए हमारे पास आना होगा, तो इसीलिए हम इसे कंटिन्यूअसली ऐड दिखाएंगे, लेकिन वैसी जगह पे दिखाएंगे जहां से ऑर्डर हमें आ चुके हैं, ठीक है। तो आप यहां पर पोस्टल कोड भी डाल सकते हो, यहां पे पोस्टल कोड, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि पोस्टल कोड तो आप डालोगे लेकिन पोस्टल कोड कितने सारे हैं, 15,000-17,000 के करीब इंडिया में है, तो हम कैसे करेंगे, क्या हर एक किसी को डालेंगे? नहीं, उसका ऑप्शन आपके पास यहां नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एड बल्क लोकेशन इन बल्क, है ना, आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि लोकेशन का क्या टाइप है आपके पास, किसी सिटीज को मल्टीपल टारगेट करना चाहते हो, पोस्टल कोड है, ज्योग्राफिकल एरिया है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ देखो कंट्री है जो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता है, रीजनल और स्टेट भी रिकमेंड नहीं करता, मैं सिटीज, पोस्टल कोड और एड्रेस को टारगेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पोस्टल कोड को सेलेक्ट करूंगा। अब कहाँ का पोस्टल कोड, तो ये यूनाइटेड स्टेट होता है सेलेक्ट, मैं यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट करूंगा, ये सर, यहाँ से मैं इंडिया को, ये रहा मेरा इंडिया, अरे इटली हो गया, ये रहा इंडिया, ठीक है। अब देखो यहां पे स्ट्रक्चर समझो किस तरीके से है, ये देखो ये एक पोस्टल कोड है, कॉमा स्पेस पोस्टल कोड, कॉमा स्पेस पोस्टल कोड, आया समझ में, ठीक है, इस तरीके से डालोगे। लेकिन मेरा सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहां पर आप जाओ, आप एक शीट बनाओ, मेंटेन करो, एक शीट बनाओ सीएसवी फॉर्मेट में, यहां पर कॉलम बना दो और नीचे की तरफ सारे आप एक्सेल शीट को वहां पे जो पोस्टल कोड को डाल दो, और क्या करो यहां से चूज अ फाइल ऑन योर डिवाइस, अब आपके फाइल है होंगे आपके कंप्यूटर में, वहां से इसे अपलोड कर लो। एक बार ध्यान रखना कि वो फाइल सीएसवी फॉर्मेट में होना चाहिए, वो सारे यहाँ पे मैच कर लेगा। उसके बाद जब अपलोड करेंगे, यहाँ पे है देखिए मैच लोकेशन है, ये कहेगा मैच लोकेशन, आप मैच लोकेशन पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपने यहाँ पर, मैं मान लेता हूँ कि 5 के आपने पोस्टल कोड डाले हैं, अगर वो सही होंगे तो सब के सब मैच हो जाएंगे, अगर कुछ एरर होगा तो वो यहाँ से बता देगा कि भाई इतने जो आपके पोस्टल कोड है वो गलत है, ठीक है, तो उसको आपको स्किप कर देना है, ठीक है, समझ गए? चलिए, तो इतने टाइप के लोकेशन को आप टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग जिसके लिए भी ऐड रन कर रहे हैं, देखना है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि सिचुएशन कैसी है यहाँ पे। हम स्पेसिफिक एड्रेस कर सकते हैं जी, एक इन डेप्थ एड्रेस का ऑप्शन आ गया है, मतलब कि प्रॉपर एक बनेगा। हाँ हाँ, बट वो ऑडियंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने 5-6 ऑडियंस को टारगेट कर लिया, ऑडियंस कुछ, यहाँ देखो ऑडियंस, यहाँ देखो फेयर बता रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक भी नहीं जाना है, ब्रॉड भी नहीं जाना है, आपको मीडियम अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है,
चलो एज है, एज भी अगेन आपको ये रिसर्च करना है, आपको रिसर्च में पाते हैं आपकी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस एज ग्रुप के लिए है, ठीक है। पहले आप रिसर्च करते हैं, यहाँ से आपको 18 से मिनिमम एज मिलता है आपको, आप यहाँ पे जैसे मैं 20 से टारगेट कर लूंगा, ये आपके अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑप्शन को सीख रहे हैं। एक बार ऑप्शन हम सब सीख लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को उठाएंगे, स्टार्टिंग से उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एज को सेलेक्ट कर लेंगे। आगे जेंडर है, अगेन आपको पता करना है कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में डेमो में आपको बताया था कि अगर कोई हमारे पास इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग का है, कोई शॉर्ट ड्रेस है गर्ल्स के लिए, ठीक है, कुछ मॉडर्न ड्रेसेस हैं, तो हम वोमेन को ही नहीं टारगेट कर सकते हैं। हमारा एक दूसरा एंगल है कि मेंस भी तो इंक्लूड है इसमें, वो भी तो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, अपनी फियांसी को गिफ्ट दे सकते हैं, है? ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी पार्ट है तो उसे हम क्यों स्किप करें, ठीक है। वोमेन और मेन हम दोनों को टारगेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे यहां पर आपको आता है यहां पर ऑडियंस की टारगेटिंग करना। ये पूछ रहा आपसे, यहाँ गूगल की तरह यहाँ पर कीवर्ड नहीं होते, हम गूगल में कीवर्ड्स कहते हैं, डालते हैं कि भाई ये कीवर्ड कोई भी सर्च कर रहा हो उसको मेरा ऐड दिखाइए। अब गूगल में आपको बताया था कि गूगल और सोशल मीडिया में फर्क होता है, दोनों में इंटेंट का डिफरेंस है। यूजर यहाँ पे प्रोडक्ट को परचेज करने नहीं आते, बल्कि हम जबरदस्ती उसके इंटरेस्ट को टारगेट करके हम यहाँ पे दिखाते हैं ऐड। तो ऐड डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर का ऑप्शन है, तो आपको इन तीन बेस पर टारगेट करना है। चलिए जैसे मैं मान लेता हूं, कोई एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, हमारे पास कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक है, या फैशन से रिलेटेड, तो हम यहाँ पे जैसे टारगेट करते हैं फैशन, हमने एक चीज डाली। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज, यहाँ पर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये ध्यान रखना कि वो इंटरेस्ट में है, बिहेवियर में है, डेमोग्राफिक में है। यहाँ देखो फैशन डिजाइन एम्प्लॉयर है, इसका मतलब है कि कोई फैशन ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे वो फैशन डिजाइन का काम करते हैं, जैसे क्लोथिंग डिजाइन करना, कार डिजाइन करना, डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग से जितने भी वर्क होंगे ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने प्रोफाइल में, अपने फेसबुक में लिख रखा होगा कि मैं फैशन डिजाइनिंग फील्ड में हूं। यहां देखिए एम्प्लॉयर्स है, फील्ड ऑफ स्टडी है, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी तो होता है भाई, तो उसको दिखाना हमें नहीं है, हमें तो ऐसे को दिखाना जो हमारा प्रोडक्ट को परचेज करे, यानी वो फैशन में इंटरेस्ट रखता हो। आ रहा समझ में आपको? देखो चीजें फैशन ही है, बट यहाँ जॉब टाइटल, फैशन डिजाइन का जॉब कर रहा कोई, जॉब टाइटल कर रहा कोई, स्कूलिंग कर रहा है, यहाँ पे देखो बहुत सारे कोई एम्प्लॉयर्स है, देखो यहाँ पर है फैशन एसेसरीज, इंटरेस्ट में है। फैशन एसेसरीज में क्या आ सकता है अब बताओ? फैशन एसेसरीज में वॉच आ सकता है, बैग्स आ सकते हैं, हैं? एंकलेट आ सकते हैं, क्लोथिंग आ सकते हैं, फैशन एसेसरीज से जितने भी रिलेटेड है वो सारे चीज आ जाएंगे। यानी ऐसे लोग जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उसे मेरा ऐड दिखाइए। अब यहाँ पर मैंने ना एम्प्लॉयर लिया, ना फील्ड ऑफ स्टडी लिया, ना डेमोग्राफिक्स लिया, हमने यहाँ पे इंटरेस्ट लिया, यानी उसकी इंटरेस्ट हो। आया समझ में? बट ये आपने एज का जो आपने पॉइंट था वो ठीक है, मेंस भी कोई वुमेन्स के प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट वो हमारे प्रोडक्ट वुमेन्स के हैं, बट फैशन एक्सेसरीज में तो कोई मेंस के भी जिसने देख रहा होगा तो उसको दिखाई देगा हमारे साथ? नहीं, वो पार्ट अलग है, वो ऊपर जो आप जेंडर की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं जेंडर नहीं, एक ऑब्जेक्टिव है कि एक लड़का है जो लाइक अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई कुछ लेना फैशन को, बट फैशन को हमने ऑडियंस टारगेट किया फैशन एक्सेसरीज, बट वो अपने लिए कुछ बॉयज के शूज देख रहा हो, उसके हमारी शूज हो देगी ऐड, तो मैं यहाँ पर आपको ये तीन ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम स्पेसिफिक नहीं है किसी बिजनेस को, मैं यहाँ पर ये तीन ऑप्शन डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर, कि एक चीज मैंने यहाँ पर फैशन डाला तो आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर जस्ट कीवर्ड डाला बस उसने टारगेट कर लिया। अभी ये तो देखो कि ये किस चीज में है, इंटरेस्ट में है, बिहेवियर में है, डेमोग्राफिक में है। जैसे यहाँ पे देखो, चलो मैं आपको बताता हूँ, रियल इस्टेट मैंने डाला, ठीक है, यहाँ पे अब देखो रियल इस्टेट एम्प्लॉयर्स भी है, इंटरेस्ट भी है, यहाँ पे इंटरेस्ट भी है, जॉब टाइटल भी है, अब किसको टारगेट, फील्ड ऑफ स्टडी भी है, अब बताओ आप किसे टारगेट करोगे अगर आपको अपना प्रॉपर्टी अपने क्लाइंट के लिए लीड चाहिए तो? बट एजेंट लाइक रियल एजेंट हुआ तो क्या रहे आप? बताओ आप बताओ, यहाँ पे सब कुछ सारे ऑडियंस दिख रहे हैं, रियल इस्टेट इंडस्ट्री, रियल इस्टेट डेवलपमेंट, रियल इस्टेट एजेंट होगा तो मैं तो इनमें से कौन सा करूँ, तो मैं मेरे हिसाब से हाउसिंग वाला करूँगा, कि हाउसिंग लिखूंगा,
रियल एस्टेट का एजेंट है तो रियल एस्टेट का मैं इतना स्मार्ट बंदा करूंगा ही नहीं जिसको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है। रियल एस्टेट में इंटरेस्ट तो एजेंट लोग होता है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, रियल एस्टेट में इंटरेस्ट उसको भी हो सकता है जो परचेज करना चाहते हैं, उसको भी हो सकता है जो ब्रोकर है, क्योंकि वो भी तो इंटरेस्ट रखता है इस चीज में, तभी तो वो वर्क कर रहा है। तो अभी ब्रोकर ही तो मेरे पास आया है, एक मेरा ब्रोकर आया कि भैया मैं मेरे फ्रेंड दिखवाने हैं। मेरी बात समझो, यही तो फिल्टर आउट करना है हमें, पता करना है कि ऑडियंस कौन है और प्रोफेशनल कौन है जो ऑलरेडी एजेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर रियल एस्टेट, यहाँ पे देखो समझो मेरी बात को, हमने रियल एस्टेट इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे, एम्प्लॉयर्स को नहीं, हमने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को टारगेट कर दिया जो इसमें इंटरेस्ट रखता हो। अब नीचे डिफाइन फर्दर में आप इसे नैरो डाउन नहीं कर सकते, आप आओ यहाँ पे आप इसको नैरो डाउन कर दो कि भाई मुझे रियल एस्टेट एजेंट को नहीं दिखाना है अपना एड। आया समझ में? अब देखो एक ये हो गया, अब यहाँ पे चलो हम एक और देखते हैं। अभी सिर्फ आपको ऑडियंस में सिखा रहा हूँ कि कैसे टारगेट करना, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का जॉब टाइटल भी है, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये वो लोग होंगे जो रियल एस्टेट एजेंट वाले होंगे, तो इसको दिखा कर क्या फायदा मेरा जॉब टाइटल वाले का, एम्प्लॉयर्स का भी नहीं दिखाएंगे, ये उनकी कंपनी ही होगी। फिर प्रॉपर्टी मैनेजर जॉब टाइटल है, फील्ड ऑफ स्टडी है, नहीं दिखाएंगे हम इसे, इंटरेस्ट में जाएंगे रियल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी फाइंडर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाले को दिखाएंगे। आया समझ में? चलो इतना क्लियर है आपको ये दो तीनों चीजें? अगर डिफाइन फर्दर करना, डिफाइन फर्दर का मतलब और मुझे थोड़ा सा इसी टाइप का और चाहिए मुझे, तो उसे आप इस तरीके से डिफाइन और फर्दर डिफाइन कर सकते हो उसको आप, ठीक है। चलो लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ स्पेसिफिकली। अगर अभी मेरे पास पिछले महीने कुछ एक तमिल आए थे मेरे पास, मतलब वो तमिलनाडु से मुझे कॉल कर रहा था, मुझे 6 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उसने कहा, तो उनकी एड कॉपी तमिल में थी, वो जो सिरामिक होते हैं, स्टोन वगैरह होते हैं जो संगमरमर वगैरह वो सेल करते हैं, वो हाउस होल्ड जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनका बिजनेस है, तो उनका तमिल था। तो मैंने क्या करा, फिर उनका एड कॉपी तमिल में, ऑडियंस तमिल में, तो मैं लैंग्वेज क्यों हिंदी और इंग्लिश रखूं? मैंने यहाँ पे सिंपली लैंग्वेज को, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही रेयर था, ऐसा सिचुएशन आती है, ठीक है, मैंने इनकी लैंग्वेज को यहाँ पे तमिल को डाल दिया कि भाई ऐसे ही लोगों को दिखाओ जो तमिल बोलता हो और वो केरल और तमिलनाडु में रहता हो। ये भी उसका एक कंडीशन था, या तो फिर तमिलनाडु में रहता हो या केरल में, ये नियर बाय स्टेट्स हैं तो ऑब्वियसली है, तमिल तो जानते ही होंगे सब, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब आप चूज करो, अदरवाइज अगर नॉर्थ इंडिया के लिए है तो फिर मत करो आप, ठीक है, सब चीजें। अब यहाँ पर आपने एक ऑडियंस बनाई, बड़ी मेहनत से बनाई आपने, एक एक चीज रिसर्च करके बनाई है, अब यहाँ पे ऑडियंस को सेव कर लो। ये देखो ऑडियंस है, अब यहाँ पे ऑडियंस का नाम डाल दो, क्लाइंट के कौन सा क्लाइंट है, एक्स वाई जेड, ठीक है उसका, और यहाँ पे आपकी दिख जाए कि इस ऑडियंस में क्या लोकेशन, क्या एज, किसे आपने टारगेट करा, ये सारी चीजें मैं यहाँ सेव नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं सिखाना चाह रहा था आपको। क्लियर है ऑडियंस पूरी? चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट का मतलब होता है, अब आपने सब कुछ तो टारगेट कर लिया, लोकेशन वगैरह सब कुछ, अब दिखाना कहाँ चाहते हो? अब यहाँ देखो मेटा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, यहाँ मैसेंजर भी है, ऑडियंस नेटवर्क भी है, आप किससे दिखाना चाहते हो? क्या आप सबको टारगेट करोगे, या आपका जो बिजनेस है, आपका जो ऑडियंस है, वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे है? तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, मैं यहाँ पे एडिट करूंगा। यहाँ देखिए कह रहा आप प्लेसमेंट में, चूज वेयर योर एड अपियर अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजी। मेटा टेक्नोलॉजी एक पैरेंट कंपनी है, इसके अंदर बहुत सारे आपको दिख जाएंगे, तो एडवांटेज पर प्लेसमेंट है, ये रिकमेंडेड रहता है आपकी उसकी तरफ से, और इसका कहना है कि आप इसको चूज कीजिए ताकि हम ज्यादा ऑडियंस को दिखाएं। हमें ज्यादा ऑडियंस को दिखा के क्या फायदा अगर वो जंक है तो हमारे लिए, ठीक है, हम हमेशा मैनुअल प्लेसमेंट को चाहेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैनुअल प्लेसमेंट आप चूज करोगे, आपके सामने आ जाएगा एक और ऑप्शन, इतने सारे फेसबुक इंस्टाग्राम मैसेंजर ऑडियंस। तो मैं कभी भी ना मैसेंजर चूज करता हूँ और ना ऑडियंस नेटवर्क, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर मेरा प्रोडक्ट या मेरे क्लाइंट का कोई प्रोडक्ट यूथ ऑडियंस के लिए है, जो बिल्कुल यंग है, मेल है, वो फीमेल है,
तो मैं फिर यहां से फेसबुक को भी माइनस कर दूंगा, नहीं दिखाना मुझे फेसबुक पे। जैसे कोई प्रोडक्ट है अगर मेरा फेस वॉश, जीन्स, लेदर शूज, सीरम, फेस सीरम, हेयर कोई प्रोडक्ट है, तो मैं इंस्टाग्राम को टारगेट करूंगा, समझे। अब इसकी वजह क्या है आपको पता होना चाहिए कि इंस्टा की जो ऑडियंस है वो यूथ है। मेरा लॉजिक इसके पीछे है कि मैं इंस्टा को टारगेट इसलिए करूंगा कि मैं स्पेसिफिक रखूंगा अपने ऑडियंस को, और इसकी जो ऑडियंस है वो 18 से 40 की है, बल्कि 1 बिलियन यूजर में हमें लगता है कि इसका 80% जो यूजर है वो इस एज ग्रुप में आते हैं, और मेरा प्रोडक्ट इसी के लिए तो है। अब बोलो, हाँ आपने देखा होगा जोमेटो, देखा होगा IRCTC, आपने देखा होगा इसके ऑडियंस नेटवर्क होते हैं जिसके मेटा टेक्नोलॉजी अपने अंदर रख रखा है, ठीक है। बस वो इफेक्टिव नहीं है अगर आप अवेयरनेस फेज में नहीं, अगर कोई नया प्रोडक्ट है आप अपना बर्न करना चाहते हैं अपना अमाउंट, आप चाहते हैं कि अवेयरनेस फैलाना है मुझे, तब आप जा सकते हैं इसके साथ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि चलिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना, लेकिन आगे फिर और यहाँ पे आपको फर्दर नैरो डाउन जाना। अबे भाई फेसबुक है तो फेसबुक के और भी तो लोकेशन है। आप देखो यहाँ पे आज के टाइम में रील, वीडियो, वॉच, फीड, मार्केट प्लेस, स्टोरी, इतने सारे लोकेशन है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितना आप फीड में जाते हैं, आप रील में जाते हैं, उतना मार्केट प्लेस में भी आप जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो फिर क्यों हमें वहां पे पैसे खर्च करना भाई? हम उसे यहां से देखो, यहां मार्केट प्लेस का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, हम उसे माइनस कर देंगे यहां से। जैसे इन स्ट्रीम ऐड फॉर वीडियो है, स्टोरीज एंड रील हम रहने देंगे यहां पे सारे को, ठीक है। उसके बाद जब फीड में हम जाएंगे तो यहां देखिए मार्केट प्लेस है, मैं इसे ऑफ कर दूंगा मार्केट प्लेस को, ठीक है। राइट कॉलम है, राइट कॉलम ये आपके डेस्कटॉप में देखे जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि डेस्कटॉप में तो बहुत ज्यादा कम लोग इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम, ज्यादा मोबाइल में करते हैं, तो मोबाइल में है कहाँ राइट कॉलम, ठीक है। इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर भी मैं बंद कर दूंगा क्योंकि वहाँ छोटे से मैं ऐड दिखता है हमारा। इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर होम मैं उसे भी बंद कर दूंगा यहाँ पे, मैं सिर्फ रखूंगा इंपॉर्टेंट लोकेशन पे फीड, रील, फेसबुक वीडियो फीड्स यहाँ रखूंगा जहाँ पे ज्यादा लोग इंगेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन स्ट्रीम एड्स है, सर्च रिजल्ट है, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि भाई आपको दिखाना है या नहीं दिखाना, समझ गए। सर्च रिजल्ट में मोस्ट प्रोबेबली मैं तो मुझे हर बार बंद ही करता हूँ, मुझे लगता नहीं, नहीं मैं नहीं दिखाता। मैंने कहा ना अगर आप सही से ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं तो ये स्टोरीज और रील और फीड ही काफी है। इसके बाद भी आपको लोकेशन देखो कितना मिल रहा है, 10 out of 20 प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप आओ इन स्ट्रीम वीडियो रील में, आपको यहाँ पे बताया फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो है, एड्स ऑन फेसबुक रील है, आप वो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे 10 लोकेशन मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। एक चीज और, यहाँ पे आपको डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ जाओ डिवाइस में, आपका जो प्रोडक्ट है, आपने कहा मैं इंस्टाग्राम को सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए इंस्टा मोबाइल में चलते हैं, वो मोबाइल फ्रेंडली ऐप है, न कि वहां पे डेस्कटॉप है, तो हम डेस्कटॉप में क्यों अपना बंद करेंगे पैसे, ठीक है। तो और यहाँ पर एक और चीज, अगर आप चाहते हो एक और लोकेशन यहाँ पे स्पेसिफिक है, कंडीशन हम समझते हैं, मान लीजिए आपको कोई क्लाइंट है या आपका कोई बिजनेस है जो आप मोबाइल कवर सेल करते हैं, और आईफोन 15 का कवर है आपके पास, 14 का कवर है, 16 आने वाला है, उसका कोई एसेसरीज आपके पास है, और आपको टारगेट करना है ऐसे ही ऑडियंस को, ठीक है, ठीक है, आपको टारगेट करना है ऐसे ऑडियंस को। तो मैंने यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम को टारगेट करा, नीचे आएंगे तो वहां पर आपको फिल्टर का एक ऑप्शन मिलता है, नीचे आओ देखो शोमोर ऑप्शन, ये इसी से अलाइन है, ये चीजें मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ पे जाएंगे ऑल मोबाइल डिवाइसेस की जगह हम iOS डिवाइस ओनली कर लेंगे, नहीं भाई मुझे एंड्रॉइड वाले को टारगेट नहीं करना। उसके बाद इंक्लूड वीडियोस, आप डिवाइसेस ऑल आईपैड को दिखाना चाहते हो, ऑल आईफोन को दिखाना चाहते हो। अब एक बात बताओ, आपके पास कवर है 15 का, 14 का, आप आईफोन 6 को क्यों दिखाओगे, 6S को क्यों दिखाओगे, क्या बेनिफिट है वहां से, है? नहीं, तो फिर यहां पर जाओ और आईफोन 6 को आप यहां पे एक्सक्लूड कर दो, यहां पे एक्सक्लूड डिवाइस है, आपको जाओ यहां पे और आईफोन 6 कर दो, समझे।
कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये हो गया। तो यहाँ पर आईफोन आईपैड्स का आपको मिल जाता है ये ऑप्शन। अगर ऐसा कुछ आपका प्रोडक्ट है जो आईओएस के लिए नहीं है, या यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर आप प्राइम यानी ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो जो हाई रेटेड गुड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तब आप आईफोन को इस्तेमाल कर सकते हो। जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई आईफोन यूजर है तो एक लग्जरी गुड्स में इंटरेस्ट रखता है वो, इस एंगल से भी आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो लग्जरी है, लग्जरी गुड्स है, उस हिसाब से भी आप आईफोन यूजर को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये वो ऐसे लोग हैं जो लग्जरी में यानी स्टेटस सिंबल की तरह ये देखते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो इसको आप यहाँ भी टारगेट कर सकते हो, दूसरे एंगल से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी 18 ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुकी है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप 10 से लें, 12 से लें या 14 से लेना चाहते हैं, जो भी लेटेस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। 18 शायद कि ऐड हो गया होगा, मेटा ने ऐड, अभी तो आईफोन ने लॉन्च करा था ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से आपको दिख जाएंगे वर्जन 18 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है ऑप्शन, ओनली वेन वाईफाई टू कनेक्टेड, यानी आप ऐसे ही यूजर को टारगेट करना चाहते हो जो वाईफाई। अब ये देखो, ये जितना आप नैरो डाउन जाओगे ना, आपकी ऑडियंस कम होती जाएगी और रिजल्ट की क्वालिटी देखो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखो रिजल्ट, यहाँ पे कन्वर्जन 2 से 13 ही रहेंगे जब इतना हम आगे टारगेटिंग करते जाएंगे। ठीक है, ये सिचुएशन को देखना है कि क्या आप एकदम बिल्कुल नैरो डाउन जाना चाहते हैं या मीडियम लेवल पे रहना चाहते हैं। ठीक है, वाईफाई से आप चाहते हैं कि नहीं वाईफाई से ही कनेक्ट हो तभी हम मेरा ऐड दिखे, तब आप ऐसा कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ भी समझो आप बात को, आपका कोई प्रोडक्ट 5000 का है, ठीक है, और वाईफाई से कनेक्ट कब होता है, जब इंसान स्टेबल कंडीशन में होता है, या तो वो ट्रेवल कर रहा होता है तब वो मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करता है, या कहीं पे वो इस तरीके से है जहाँ फन के लिए बैठा हुआ। लेकिन अगर वो स्टेबल सिचुएशन में होगा, जैसे वो ऑफिस में हो, घर में हो, तभी वो वाईफाई से कनेक्ट होगा। और जब इतनी प्रोडक्ट की कोई प्राइस की प्रोडक्ट लेने के लिए हो ना, तो स्टेबिलिटी ज़रूरी है माइंड में, जहाँ वो डिसीजन ले पाए। समझे, आप समझ में आया ये एंगल? ब्रांड सेफ्टी है एक्चुअली, हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। ब्रांड सेफ्टी का मतलब है कि आपका कोई ब्रांड है, इतने ब्रांड तो हम है नहीं, पूमा एडिडास ऐसे कुछ, तो इसके बारे में अभी कोई बात करना है, मतलब ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ आ जाती है। और पर्सनली मैं भी इसे इस्तेमाल, अभी आपके जो क्लाइंट है वो छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दो ऑप्शन क्लियर है आपको, ऑडियंस की टारगेटिंग और प्लेसमेंट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ, क्योंकि फिर आप ओवरफ्लो हो जाएंगे जब तक आप इसको अपने माइंड में बात नहीं करेंगे इन सब चीजों को कि कैसे हम टारगेट करेंगे, क्योंकि इसमें आप देखा जाए तो पूरा प्योर वैल्यू है यहाँ पे, अलग अलग सिचुएशन में मैंने आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे एड कॉपी को डिस्कस करेंगे, हम अपने एड कॉपी को, और वो हम एक ही क्लास में खत्म करेंगे, क्योंकि मेन जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है यहाँ पर। ठीक है, एड लेवल पे। ठीक है, अब अपनी ऑप्शन आप बताइए, आपको क्या है इशू है, क्या क्वेश्चंस वगैरह हैं इससे रिलेटेड? मैं आपको बताया था जैसे मेरे को 2 से 3 एक खुद के पर्सनल प्रोडक्ट है और क्लाइंट के लिए, मैंने आपको अपने व्हाट्सएप पे लिख के भेजा था। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग नीड का, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए क्लाइंट है आपके पास। ठीक है, उनके लिए लीड्स लाने, वो मेरे पर्सनल से बोल रहा कि मेरे खुद की वेबसाइट है मेरी। ठीक है, उसके बाद एक है कूपन बेस्ड साइट का। अच्छा, आपको समझ नहीं आएगा जब तक मैं एक एक ऑप्शन आपको न समझा दूं। ठीक है, एक बार जब ये सारे कैंपेन लेवल से एड लेवल तक हम अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद एक ही प्रोजेक्ट को उठाएंगे, फिर उस एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सारे ही ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सीखने में आसानी, क्योंकि अभी हम पार्ट पार्ट सेग्रीगेट करके चीजों को सीख रहे हैं, है ना। एक बार जब ये पूरी हम कैंपेन लेवल से एड सेट लेवल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर सारे ऑप्शन को हम कवर कर लेंगे, हर एक तरीके से सीख लेंगे, फिर हमें बस देखना है कि प्रोडक्ट क्या है, उस पर रिसर्च करेंगे, किसे दिखाना है, प्लेसमेंट क्या होगा, एड कॉपी कैसी होगी, कन्वर्जन लोकेशन कैसा रखेंगे, उसके बाद हम आराम से वहां पर उस पर डिजाइन करेंगे कैंपेन। ठीक है,
और एक सेकंड को मैं क्वेरी है कि लाइक ये मैंने जो आपने ऑप्शंस बताए, जैसे मैंने कहा था कि एक चलाना और एक जो अंडरस्टैंडिंग होता है जो स्किल्स के लिए, वो आप जो पॉइंट बता रहे हो, आप जो उसके पीछे लॉजिक है वो बहुत बेनिफिशियल है जो आप बता रहे हो, सही है। बट जो पॉइंट मैं दिख रखे, तो मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा की सेशन 1 से 2 घंटे हो सकता है क्या? सेशन जो है वो हार्डली 1 घंटे ज्यादा बढ़ सकता है, लाइक 2 घंटे हो या फिर हम दो, आपको आपको जल्दी खत्म करना है, हम 2 सेशन करेंगे ना फिर, क्योंकि मुझे ये नहीं सेशन जल्दी करेगी तो मुझे आराम करना है, बट लाइक वो है कि मुझे ना कुछ और भी काम अटके हैं मेरे। मैं समझ सकता हूँ बट ये है कि अगर मैं ज्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन कर दूंगा ना तो फिर आप इसके एसेंस को नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं ब्रेक करके, अगर आपको कोई लाइव 40 मिनट पढ़ा रहा कंटिन्यूअसली तो समझ लीजिए कि आप उसके बाद से ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा जो आप कैच नहीं कर पाएंगे। मुझे एक नॉर्मल स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग का पता है, मैं पढ़ाने को तो आपको 2 घंटे पढ़ा दूं लेकिन आप कैच कर पाओगे ये सारी चीजें? वो आपकी बात भी ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा जो जिसको प्लेटफॉर्म अगर पता हो, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं पता हो, उसे डिफरेंशिएट होगा ना कि लाइक फेसबुक, ठीक है। तो मुझे उसके बारे में जो ऑप्शन आपने बताए थे कि डिवाइसेस का, ये मैंने यूज कर रखे है, बट वही मेरा मेन लूप होल वही था मेरा, सारे ऑप्शन वर्क कर लिए तभी मेरा ऑप्शन, ठीक है। एक बार हम ये ऑप्शन को अच्छे से खत्म कर लेते हैं सारे को, जितने भी हमारे पास एड मैनेजर में ऑप्शंस है, उसके बाद हम एक एक कैंपेन को डिजाइन करेंगे यहाँ पर। एक्चुअली आप स्क्रीन शेयर करोगे, आप मुझे सारा चीज करके दिखाओगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके चलो ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके थैंक यू।